हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी पर। और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे, जिस पे मैं बायो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और हम लोगों ने कल पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने क्लास 11th की एक चैप्टर स्टार्ट की है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग वो सेल चैप्टर कल पार्ट वन उसका पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सेल की थ्योरी, सेल की ओवरव्यू, सेल की डिस्कवरी, सब सेल के शेप और साइज कैसे होते हैं, ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते क्या क्या है। तो इसमें बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है, बैक्टीरिया, देन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, देन इसमें माइकोप्लाज्मा को भी इंक्लूड किया गया है, माइकोप्लाज्मा, राइट, देन पीपीएलओ भी इसी में आता है, प्लूरोनिमोनियो। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया, पीपीएलओ, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है इसे हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इंक्लूड किया है किसमें, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये सारे एग्जांपल्स कहिए या फिर इनको इंक्लूड किया गया है इसमें। देन ये इनकी साइज जो होती है स्मॉलर होती है, स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रो मींस प्रिमिटिव, जो काफी पहले थे, यू मींस ट्रू। तो ये प्रोकैरियोटिक हम लोग पढ़ रहे जो प्रिमिटिव है, जो काफी पुराने ऑर्गेनिज्म थे, जो पहले आए थे। ठीक है, तो इनकी साइज कैसी है, स्मॉलर है, देन मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट देन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक जो है ये काफी फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। और इनका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक का, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है। ठीक है, फंडामेंटली ये सिमिलर होते हैं, बट इनकी जो शेप एंड साइज होती है वेरी करती है। इनकी शेप और साइज जो है वो काफी वैरी करती है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मिलते जुलते नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बैक्टीरिया की बात करें, तो अगर हम लोग बैक्टीरिया को लेते हैं, तो बैक्टीरिया फोर शेप्स हैं। बैक्टीरिया है फोर शेप्स, या ये कहिए कि बैक्टीरिया के चार शेप में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को, जिसमें पहला शेप आ जाता है रॉड लाइक, जो कि कोकस जिसे बोलते हैं, कोकस में रॉड लाइक शेप होता है ऐसे। ठीक है, देन अगर सेकंड शेप की बात की जाए तो ये होता है कॉमा शेप, और ये कॉमा शेप किसमें होता है, विब्रियो में। विब्रियो शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह से, जैसे हम कॉमा डालते हैं ना, उस तरह से। देन थर्ड स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल गोल होता है, और किसमें पाया जाता है, कोकस में। ठीक है, एंड देन फोर्थ साइज इज स्पाइरुलम। ठीक है, और ये कैसे होता है, ऐसे। तो ये है हमारे चार शेप्स जो कि हमारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, देन इनके शेप जो होते हैं, ये जो वेरी कर रहे हैं, शेप इनके सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, शेप चेंजिंग नेचर इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक नेचर। What is pleomorphic nature? The shape changing nature of bacteria या shape changing nature of prokaryotic cells are called
प्लियोमॉर्फिक नेचर, वैसे बैक्टीरिया जो अपने शेप को वेरी करते रहते हैं, जिनकी शेप हमेशा चेंज होते रहती है, उसे प्लियोमॉर्फिक हम लोग नेचर कहते हैं, उसके नेचर को। सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, देन आउटर जो लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल होगी कहां होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर होगी, ठीक है। जैसे कि अभी फिगर में बताऊंगी आप लोग को, तो उसमें फिगर में आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। पहले थ्योरी देख लीजिए, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स पाए जाते हैं, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। उस फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहता है, साइटोप्लाज्म। सेल प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है, कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, और ना ही कोई सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती है। तो आखिर क्या होती है, पहले देख लेते हैं। नो डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेली फाउंड, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन कोई ऑर्गेनेल इनके अंदर नहीं होती है। अब ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, देन प्लास्टिड्स, ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है इन द सेल, बट ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। देन बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की, नो सिंगल मेम्ब्रेन, नो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स फाउंड। अब इनके अंदर कह रहा है कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है, तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, लाइसोजोम, ये ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिनके बाहर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल, गॉल्गी, देन माइक्रोबॉडीज, ठीक है। ये सारी ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बट ये ना तो ये डबल मेम्ब्रेन और ना ये सिंगल मेम्ब्रेन, हमारे बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, इनमें से कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, यानी कि ये ऑर्गेनेल्स कहां होती है, एब्सेंट होती है। तो इसमें होता क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम्स इज ओनली ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। राइबोसोम एक सिंगल ऐसी ऑर्गेनेल्स है जो कहां होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, किसमें, हमारे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स एब्सेंट, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। देन नो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेट, जेनेटिकली, जेनेटिक कहिए, जेनेटिकली नहीं कहते हैं, जेनेटिक ही हम लोग कहते हैं इसे, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेट, जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्या होता है, इनके अंदर नेक्ड होता है, ओपन होता है, उसके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, फिगर एक देख लेते हैं। अब हम लोग बनाएंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, अलग अलग कलर से मैं इसकी अलग अलग लेयर बना रही हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो गई हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की आउटलाइन।
ठीक है। इसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। देन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद वाली लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है इनसाइड ऑफ द सेल वॉल उसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर तीनों को कंप्रेसली अगर हम लोग एक साथ बोलें कि इन तीनों को एक साथ अगर रखा जाए तो क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा सेल की इनवेलप, सेल इनवेलप। इस तीनों को एक साथ मिलाइए क्या बोलेंगे, सेल इनवेलप। तो ये तो थी बाहर बाहर की बात, अब अंदर चलते हैं। अंदर इसमें क्या है, अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं तो ऐसे होंगे क्रोमैटिन के फॉर्म में, जिसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्रोमैटिड के फॉर्म में स्कैटर्ड होंगे इन द साइटोप्लाज्म, उसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे। देन हमारी प्लाज्मिड भी होगी यहां, प्लाज्मिड, ठीक है। देन प्लाज्मिड के बाद इसमें और क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स। इसमें इंक्लूजन बॉडीज भी होंगी कुछ, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। इसमें क्या होंगी, इंक्लूजन बॉडी भी होंगी। तो ये जो सब है ये कहां है, इन द साइटोप्लाज्म। हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो थी हमारी टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास एक यूनिक कैरेक्टर भी होता है। वो यूनिक क्या होता है, टू फॉर्म द इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज बनाते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज किसका यूनिक कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक सेल का। इंक्लूजन बॉडीज यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर हो गया हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। और एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है। और वो फॉर्म क्या होता है कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ डीप हो जाती है, अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मीजोजोम, मीजोजोम्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं। दे आर द एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, इनफोल्डिंग्स दैट मींस अंदर, ठीक है, आउटफोल्डिंग दैट मींस आउटर। तो ये क्या है, इनफोल्डिंग है, किसकी इनफोल्डिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यहां तक आई बात सबको समझ में। ये तो थी इसके आउटर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। अब इसके सरफेस की बात करते हैं कि इसके सरफेस पे कुछ यूं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है पूरे बॉडी सरफेस पर, यूं यूं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिल्लई, ठीक है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्लई। देन इनके बॉडी पे ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल, सेल वॉल से अटैच्ड, सेल वॉल से अटैच्ड कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लैजिला। इसे क्या कहेंगे, फ्लैजिला। ये सब क्या है, इसके सरफेस स्ट्रक्चर्स है, सरफेस एक्सटेंशन है, ठीक है, जो इनके सरफेस पे पाई जाती है। देन
फ्लैजला हो गया, पिल्ला हो गया, अब फिम्ब्रिए भी होती है। फिम्ब्रिए कैसे होती है? स्मॉल ब्रिस्टेस लाइक, जैसे हम लोग जो ब्रशिंग करते हैं ना, ब्रश टूथब्रश, उसके जो ब्रिस्टेस होते हैं जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर होता है ये, इसे कहते हैं फिम्ब्रिए। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फिम्ब्रिए। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट फिगर प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या हो गया? हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ये फिगर था हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हमने आउटर लेयर की, अब इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे इसकी ग्लाइकोकैलिक्स, इससे इसके सेल एनवेलप तक कनेक्टिवली आप लोग एक साथ बोल दीजिए, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, या इसके सरफेस पे जो एक्सटेंशंस है, या जो इसके सरफेस पार्ट्स है, उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल से। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं पहले। जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, कहां होते हैं? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये कहां पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। देन न्यूक्लियोइड होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। न्यूक्लियस कहां होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। देन डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोइड होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं, ठीक है। मेन जीनोमिक डीएनए भी होता है इसके पास, ठीक है। क्या होता है? इसके पास एक जीनोमिक डीएनए भी होता है, और वो डीएनए कहां होगा? इसके न्यूक्लियोइड के अंदर ही होगा। सर्टेन बैक्टीरिया है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जोमल डीएनए, सर्टेन बैक्टीरिया है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होगा? हमारा प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड दिख रहा है कहीं आप लोगों को फिगर में? जी यहां पे दिख रहा है प्लाज्मिड। वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होगा? प्लाज्मिड होगा। यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर है ये, ठीक है। ये क्या है? यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर है, जैसे कि ये क्या करता है? रेसिस्टेंट टू एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को ये रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल का एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। देन हम लोगों ने बाकी सब पढ़ लिया है, और आगे ये इसके जेनेटिक मटेरियल की बात थी। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? इसके सरफेस के स्ट्रक्चर या फिर इसकी मॉडिफिकेशन। सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, सरफेस स्ट्रक्चर क्या है? सेल इनवेलप की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला क्या है हमारा? ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के हम लोग कलेक्टिवली बोल रहे हैं सेल इनवेलप। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, सेल की सबसे बाहरी लेयर है। फिगर में भी हम लोग को दिख रहा है कि सेल की सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एडेशन प्रॉपर्टी, एडेशन प्रॉपर्टी रखता है, एडेशन प्रॉपर्टी। देन ग्लाइकोकैलिक्स बनता किसका है? मेड अप ऑफ म्यूकस प्लस पॉलीसेक्राइड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? म्यूको पॉलीसेक्राइड,
इसे हम लोग क्या कहेंगे, म्यूको पॉलीसेक्राइड, क्योंकि किसका बना हुआ है, म्यूकस का और प्लस पॉलीसेक्राइड्स का। म्यूकस क्या होता है, कुछ चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, इसके आउटर सरफेस को क्या बताए, क्या लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई देता है, ठीक है। देन मेड अप ऑफ ए म्यूकस एंड पॉलीसेक्राइड। बैक्टीरिया को जो है क्लासिफाइड किया गया है टू कैटेगरी में। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या बैक्टीरिया, उसे उसके सेल इन्वेलप के आधार पे उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्लासिफाइड फाइड इंटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ये जरूर याद रखना है कि किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप, ठीक है, किसके आधार पे, सेल इन्वेलप के आधार पे इसे दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और देन सेकेंड वन इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव होता है कि इसकी जो इसकी आउटर लेयर जो होती है वो स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम लेयर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये स्लाइम लेयर और इसकी ये इसके होते हैं कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल। तो अब स्लाइम लेयर क्या करती है कि प्रिवेंट्स द सॉरी पहले ये बता दूं ना आप लोगों को कि ये कौन किसको टेक करता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है और ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम पॉजिटिव हुए दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। वैसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं कि जब ग्राम स्टेन लिया जा किया जाता है तो जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और दोज डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, वैसे जो ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड ग्राम निगेटिव। जो ग्राम स्टेन को ले लेंगे वो ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे और जो नहीं लेंगे वो ग्राम निगेटिव हो जाएंगे। देन बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो टर्म था वो किसने दिया था, क्रिस्टियन ग्राम साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टर्म को दिया था, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स एग्जिट इन टू फॉर्म्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है हमारी वो दो फॉर्म में एग्जिट कर सकती है, एक तो जो स्लाइम लेयर होती है, जहां पे स्लाइम लेयर होती है, ठीक है, और एक जहां पे कैप्सूल होते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्म में एग्जिट कर सकती है। स्लाइम लेयर क्या होती है कि इनकी सीट जो होती है वो लूज सीट होती है, लूज सीट होती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स लूज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट सेल्स। होस्ट के सेल से वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्बेंट को रोक देते हैं, इनके लॉस को रोक देते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होने देते हैं ये किससे, होस्ट के बॉडी से। देन कैप्सूल की बात की जाए, ये तो थिक होते हैं, थिक होते हैं एंड टफ होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं और टफ होते हैं। देन ये हाइड बैक्टीरिया करते क्या है, हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हाइड करते हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम में। तो ये तो थी हमारी ग्लाइकोकैलिक्स की बात। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब सेल वॉल। ये हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स कंप्लीट कर लिया, देन अब हम लोग मूव करते हैं सेल वॉल पे, ठीक है। देन सेकेंड वन इज सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स क्या थी, आउटर मोस्ट लेयर थी सेल वॉल की, और ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद पाई जाती है सेल वॉल। तो ये क्या करती है, प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, ये सेल को क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यह क्या करती है कि बैक्टीरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरली, कि बैक्टीरिया क्या करे, कोलैप्स नहीं हो या ब्रस्ट नहीं हो, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है, कंपोज्ड होती है किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकेन की हमारी सेल वॉल बनी होती है, जिसमें पेप्टिडो पेप्टाइड होते हैं, पेप्टिडो मीन्स पेप्टाइड और ग्लाइकेन शुगर होता है, ठीक है। तो ये पेप्टाइड और शुगर की बनी होती है, पेप्टाइड रेफर टू प्रोटीन, और शुगर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है नैग NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, और एक होता है NAM एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो ये दो तरह की शुगर होती है, तो ये किसकी बनी होती है, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सेल की ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड वन लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इनर टू सेल वॉल कहां होती है, इनर टू सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किसके, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक सेल्स के सिमिलर होती है। देन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट मेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म,
ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ कहां पाए जाते हैं, प्लांट सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं कहीं, ठीक है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। वो एक्सटेंशन क्या होती है, मीजोजोम। वो एक्सटेंशन क्या होती है, मीजोजोम। अब ये मीजोजोम क्या करती है, मीजोजोम का एक्सटेंशन हुआ है तो कहीं ना कहीं तो मीजोजोम हेल्प करती होगी, तो मीजोजोम हेल्प करती है आपके या फिर मीजोजोम का फंक्शन क्या है, मीजोजोम का फंक्शन है रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेशन, देन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है, देन एंजाइम सिक्रीशन में, एंजाइम्स सेल वॉल फॉर्मेशन का काम भी करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन, देन डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रीशन भी करती है, देन डीएनए रेप्लिकेशन भी, रेप्लिकेशन, दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मीजोजोम, ठीक है। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, और ये एक्सटेंशन जो होती है, ये दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर या ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, और वेसिकल्स, वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और लैमिला, लैमिला के भी फॉर्म में होते हैं। बट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अदर एक्सटेंशन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर ये एक्सटेंशंस नहीं पाई जाती है, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स, लैमिला या मीजोजोम की एक्सटेंशंस नहीं पाई जाती है। उनके अंदर क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें क्या पाया जाता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी की, बीजीए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन सा है हमारा, बीजीए है, ब्लू ग्रीन अलगी। तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रेजेंट क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, ठीक है, क्रोमैटोफोर पाया जाता है। क्रोमैटोफोर क्या है, क्रोमैटोफोर इज कलर पिगमेंट प्रेजेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटो, ये क्या है, क्रोमैटोफोर कलर पिगमेंट है जो हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो ये तो हो गई हमारी सेल इनवेलप की बात, कि हम लोगों ने सेल इनवेलप पढ़ लिया, उसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसके मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, और इसके मॉडिफिकेशन में या इसके सरफेस स्ट्रक्चर में पहला क्या था, फ्लैजिला, फ्लैजिला, इसके सरफेस स्ट्रक्चर में क्या था, फ्लैजिला, फिम्ब्रिए और पिल्लई। तो हम लोग एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है, मोर्टिलिटी में। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो बैक्टीरिया कैसा होगा, नॉन मोटाइल। तो इससे तो एक बात आप लोग को क्लियर हो गई कि ये फ्लैजिला जो है वो किसमें हेल्प कर रहा है, मोटिलिटी में हेल्प कर रहे हैं। अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल करे, मोटाइल होगा यानी मूवमेंट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। देन मेड अप ऑफ फ्लैजीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन, किसके बने हुए होते हैं, ये फ्लैजिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखेंगे कि ये किसके बने होते हैं, फ्लैजिलीन प्रोटीन के
बने हुए होते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजला इज कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल फ्लैजला इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। या इसे यू कर लीजिए कि बैक्टीरियल फ्लैजला इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स या कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, फिलामेंट, देन सेकेंड वन इज हुक, एंड नाउ थर्ड वन इज क्या हो जाएगा? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ये फ्लैजिला जो होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या तीन पार्ट से मिलके बनते हैं। फिलामेंट होगा, हुक होगा और बेसल बॉडी होगी, और इन तीनों से मिलके बन जाएगा हमारा फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला इज एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। फ्लैजिला कहाँ की एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन कहाँ से निकलती है? सेल वॉल से। मैंने फिगर ड्रॉ किया था तो आप लोगों को बताया भी था कि फ्लैजिला सेल वॉल की लेयर से निकलती है। ठीक है, देन नाउ सेकंड वन इज पिल्लई, पिल्लई। ठीक है, ये क्या है? इलोंगेटेड है, बताया था मैंने, यहां देख लेते हैं, यही था ना आपका बैक्टीरिया। ठीक है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। सेकंड लेयर जो थी वो सेल वॉल की थी, यहां से निकला हुआ है फ्लैजिला। ठीक है, और उसके बाद से क्या था? ये ट्यूब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए थे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पिल्लई। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड ट्यूबुलर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन, और वो स्पेशल प्रोटीन क्या होती है? पिलीन प्रोटीन, पिलीन, पी आई एल आई एन, पिलीन प्रोटीन। ठीक है, पिलीन प्रोटीन हेल्प्स इन, हेल्प्स इन मेटिंग या कॉन्जुगेशन, मेटिंग या कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब नाउ थर्ड वन इज फिम्ब्रिए, तीसरा क्या था? फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या है, कैसे थे? याद कीजिए फिगर, ऐसे ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर। फिम्ब्रिए क्या है? स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक, स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक फाइब्रस। ठीक है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द, ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल से बाहर निकले हुए होते हैं। ये किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स, हेल्प, हेल्प बैक्टीरिया अटैच्ड, अटैच्ड टू रॉक्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं किसमें? अटैच करने में रॉक से इन स्ट्रीम्स, इन स्ट्रीम्स। ठीक है, तो हम लोगों ने सारी एक्सटेंशंस पढ़ ली, हम लोगों ने सेल एनवेलप भी पढ़ लिया, और हम लोगों ने उसके एक्सटेंशंस भी या सरफेस एक्सटेंशन को भी पढ़ लिया, जिसमें हम लोग पढ़ा फ्लैजिला और पिल्लई और फिम्ब्रिए। फ्लैजिला जो होता है वो क्या होता है? सेल वॉल की एक्सटेंशन होती है और फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। पिल्लई जो होती है वो पिलीन प्रोटीन की बनी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ग्लाइकोकैलिक से अटैच्ड होती है। और फिम्ब्रिए जो होती है वो भी आउटर स्प्राउटिंग है सेल की, और वो भी ब्रिस्टल्स लाइक, स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक होती है, और ये हेल्प करती है किस बैक्टीरिया को कि रॉक से अटैच होने में इन द स्ट्रीम्स। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम। अब हम लोग राइबोसोम और उसके इंक्लूजन बॉडीज पढ़ेंगे। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस,
राइबोसोम को क्या कहा जाता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम को कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है। साइज की बात करते हैं तो इसका साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक, ठीक है। देन एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है कौन? राइबोसोम्स। इन प्रोकैरियोट्स 70S आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं? 70S, ठीक है, 70S प्रेजेंट। ये S क्या है? ये S है स्वेडबर्ग यूनिट है। ये S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। तो ये प्रोकैरियोट्स में कहते हैं 70S होते हैं, और ये 70S की दो सब यूनिट होती है 50S एंड 30S। तो अब ये नहीं कहेंगे कि मैम ये 80S हो गया, ये 80S नहीं होगा। वो स्वेडबर्ग ने कुछ ऐसी कैलकुलेशंस की होंगी कि 70S प्रोकैरियोट्स में जो 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं उसे दो सब यूनिट में डिवाइड किया 50S और 30S। तो ये 50 और 30 70 के इक्वल है। मैथ नहीं है, एडिटिव नहीं है ये, दिस इज नॉट एडिटिव फॉर्म, दिस इज कैलकुलेटिव फॉर्म, ठीक है। 50S क्या है? लार्जर सब यूनिट और 30S क्या है? स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो इस कैसे पाए जाते हैं 70S टाइप के राइबोसोम? पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम, या अटैच्ड होते हैं सिंगल mRNA से। ये सिंगल mRNA से अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं? एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। ये सिंगल चेन से अटैच होते हैं, जैसे कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है इस पर ये एक सिंगल चेन है एमआरएनए की, और इस पे क्या है? ये राइबोसोम अटैच्ड होंगे और इस को क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे। यानी कि एमआरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे, ये मैसेंजर आरएनए की चेन पर अटैच्ड होते हैं और उसे पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम हम लोग कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है? रिजर्व मटेरियल है। कहां? रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और ये इंक्लूजन बॉडीज बाउंडेड बाई
एनी मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, ये इंक्लूजन बॉडीज ओपन होती हैं, नेक्ड होती हैं। एग्जांपल फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है, देन साइनोफियासिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफियासिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स होते हैं एग्जांपल्स इंक्लूजन बॉडीज के। एक होता है गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड, गैस वैक्यूल्स भी मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या मिलते हैं, गैस वैक्यूल्स भी मिलते हैं, और कहां मिलते हैं, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। यहां पे मिलते हैं हमारी गैस वैक्यूल्स। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली अपनी प्रोकैरियोटिक सेल्स, और आज हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। एक पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज दूसरा पार्ट था हमारा। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया, जिसमें उसके हम लोगों ने सेल एनवेलप भी पढ़े, उसके सरफेस एक्सटेंशन के विषय में भी पढ़ा, देन उसकी राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और इसे ध्यान से देखिए। तब तक कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।